आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बधौलिया। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं अशोकनगर जिले में चल रहे प्रवेश उत्सव से। अशोकनगर जिले के सभी स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में, शासन के द्वारा प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया जा रहा है, उनको पाठ पुस्तक वितरित की जा रही है और इसके लिए बकायदा स्कूलों के लिए एक निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए उत्सव का आयोजन किया जाए, उनके इस दौरान कार्यक्रम रखे जाए और ऐसे कार्यक्रम जो आनंददायक हों और बच्चों को स्कूल के प्रति लुभाने वाले हों। पिछले दो दिन में आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो देखने भर के लिए आपको लगता हो कि प्रवेश उत्सव जैसा मामला है। ऐसा अशोकनगर ने इन सब चीज़ों को बारीकी से नज़र करने के लिए और इनकी हकीकत जानने के लिए कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई ऐसी चीज़ देखने को मिली जो इस प्रवेश उत्सव के बारे में आपका नज़रिया बदलेंगी या आपके को इससे रूबरू भी कराएंगी। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ऐसे इलाकों से आज हम रूबरू हुए, उन स्कूलों से भी जाकर जो है बातचीत की, वहाँ के टीचरों से भी जानकर आगे आप देखेंगे कि वास्तव में प्रवेश उत्सव की स्थिति जिले के स्कूलों में कैसी है। कुछ एक स्कूलों में हम आज पहुँचे हैं और उनमें बच्चों की स्थिति के साथ साथ शिक्षकों और कुछ अच्छी चीज़ों को भी आपके सामने लेके आए हैं। चलिए, अगर अलग अलग स्थानों की और अलग अलग तरह की बात करें तो सबसे पहले अशोकनगर जिले के दूरस्थ अंचल जो ईसागढ़ क्षेत्र का रामगढ़ चक है, ये रामगढ़ चक पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य स्थान है और दो अलग अलग टपरों के तौर पर या छोटी छोटी बस्तियों के तौर पर ये है, रामगढ़ गाँव और रामगढ़ चक। रामगढ़ चक्की की अगर बात करें तो यहाँ की स्थिति लगभग इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उस पर नए सिरे से बात करना होगा प्रशासनिक अधिकारियों को और जिम्मेदार लोगों को। इस आदिवासी बस्ती में कहने को तो 50 से ज़्यादा बच्चे हैं मगर स्कूल इनमें से गिने चुने लोग ही जाते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाले और नदियों के बीच में बसा ये गाँव बरसात के बाद पूरी तरह से कट जाता है, ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। इस गांव में आखिरी जो पढ़ने वाला बच्चा है या सबसे अधिक पढ़ने वाला बच्चा है वो नबी पास है। नबी के बाद से आज तक किसी ने इस गांव में पढ़ाई नहीं की है। इस गांव की स्थिति बताएंगे और इस गांव से महज 100 कदम की दूरी पर बानोरा चक में जो स्कूल है जहाँ इसके बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ की भी हालात आपको बताएंगे। इसके अलावा एक भगवानपुर गाँव भी है। भगवानपुर गाँव में प्रवेश उत्सव की हकीकत अगर आप जानेंगे तो संभवतः अशोकनगर जिले और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा मजाक सामने आएगा। भगवानपुर में कहने के लिए दो शिक्षक पदस्थ हैं और अगर छात्रों की संख्या आप जानोगे तो आपको अचरज होगा, यहाँ कुल 5 छात्र दर्ज हैं, इनमें से 4 लड़कियाँ और 1 लड़का है। प्राथमिक स्कूल की स्थिति तब है जब बहुत सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या कई स्कूलों में शिक्षकों के न होने के कारण पढ़ाई प्रभावित है, ऐसे में 5 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं। तीसरी जो तस्वीर आपके साथ में रखी जाएगी वो अशोकनगर जिला मुख्यालय से सटी हुई है और ये कुछ सुकून देने वाले पल भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक वैकल्पिक तौर पर एक व्यवस्था शिक्षकों की गई है और प्रवेश उत्सव भी उन्हीं के भरोसे मनाया गया। उनमें से एक शिक्षक हैं हरिओम शर्मा, उन्होंने एक नया प्रयोग किया है और ये प्रयोग अभिनव रहा। प्रवेश उत्सव के दौरान उन्होंने आदिवासी बस्ती के बच्चों को अपने हाथ से नहलाया, साफ सफाई का संदेश दिया और इसके बाद कक्षा में उनको प्रवेश दिलाया, पाठ पुस्तक वितरित। सबसे पहले रामगढ़ चक्की की बात कर लेते हैं। ईसागढ़ तहसील का ये गांव दूरस्थ अंचल के तौर पर जाना जाता है। आवागमन का कोई साधन इस गांव में नहीं है। यूं तो इस गांव की कई सारी समस्याएं हैं जो इस खबर से ताल्लुक नहीं रखती पर वो समस्याएं अपने आप में बहुत बड़ी हैं। शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो इस स्कूल के आसपास, इस गांव के आसपास 2-3 स्कूल हैं और उन 2-3 स्कूलों में कहने के लिए यहाँ के बच्चों के नाम दर्ज हैं। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि बहुत सारे बच्चों के नाम अभी स्कूल में लिखे भी नहीं है और वो स्कूल जाते भी नहीं है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से गिने चुने बच्चे हैं जो माह में 1 बार या 2 बार जाते हैं और बारिश में तो इनका स्कूल जाना बंद ही होता है और उसका कारण यह है कि इस गाँव के दोनों तरफ नदी और नाले हैं, इस वजह से ये 4 माह बरसात में टोटल बंद रहता है। यहाँ के बच्चों के साथ साथ अगर दूसरी चीज की बात करें तो पढ़ने लिखने का स्तर इतना खराब है कि आज तक इस गांव में से कोई भी हाई स्कूल या हाई स्कूल से ऊपर की परीक्षा पास ही नहीं कर पाया है। इसी से ये समझ में आता है कि इस गांव का शैक्षणिक स्तर क्या है। बाल संरक्षण समिति के सदस्य ने जब इस गांव का दौरा किया था तो उनको सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 27 बच्चे ऐसे मिले थे जो अप्रवासी थे और स्कूल जाते ही नहीं थे। हालांकि बगल में लगे स्कूल के शिक्षक
इस बात का पूरा खंडन करते हैं और उनका कहना है कि इसी गांव से 20 बच्चे उनके स्कूल में दर्ज हैं। ये बताओ तुम्हारे गांव में जो है पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या है? वो समस्या ही खराब है। क्या है? क्या है कि बच्चे जाते नहीं है कहीं पे पढ़ने के लिए। इधर जाओ नाला है, इधर जाओ नदी है जी। और छोड़ने जाएंगे तो व्यवस्था खराब, एक दूसरे की मजूरी छूटती है। तो कितने बच्चे होंगे इस गांव में? इस गांव में होंगे ज़्यादातर 60-65 बच्चे होंगे। तो उनमें से स्कूल पूरे लोग नहीं जाते? बच्चे पूरे लोग नहीं जाते, दो दो पांच बच्चे चले जाते हैं जो होशियार है, बाकी नहीं जाते। बाकी नहीं जाते। अच्छा तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? सबसे ज़्यादा तो मैं ही सर, 10वीं का पेपर दिया तो पंच है, सब बाकी 8वीं तक है 9वीं तक। मतलब 10वीं पास कोई नहीं है पूरे गाँव में? नहीं है 10वीं पास। तो तुम ये बताओ तुम्हारे बाद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तुमने कभी प्रयास नहीं किया कि वो स्कूल जाएं, बच्चे पढ़ाई करें? तो करते हैं वो, तो फिर वो जहाँ भी मैं सोचा तो पढ़ाने के लिए, फिर वो पढ़ती नहीं है पास में। जैसे पढ़ाई हमारी 5 तक पढ़ाऊँ, पढ़ती नहीं है, लग जाते हैं। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाती है बच्चे? सरकारी स्कूल में यही व्यवस्था है, कारण नहीं जाते हैं, या सूखा रहता है चले जाते हैं। बरसात में 4 महीने बिल्कुल नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। सुखपाल, ये बताओ तुमको जानकारी है कि स्कूल खुल गए हैं? कोई पता नहीं ना। नहीं है पता? तो स्कूलों में प्रवेश उत्सव चल रहा है, बच्चों को जो है पहुंचाने का काम हो रहा है, आप लोगों की कुछ बताने नहीं आया? नहीं नहीं, टीचर ने नहीं बोला यहाँ स्कूल के बाद? अरे कुछ पता ही नहीं आता। आपके कितने बच्चे हैं? 3 हैं, एक और है वो छोटो, 2 बड़े हैं। स्कूल जाते हैं वो? नहीं जाते। क्यों? वो चले जाते हैं, मास्टर बुला लेते तो। मतलब मास्टर बुलाता है तब जाते हैं? हाँ, जैसे कुछ खबर कर दी बनने तो चले जाते, नहीं भी नहीं जाए, दूर पढ़ते हैं स्कूल जाते। अच्छा, आज से या कल से स्कूल खुल गए हैं तो आप लोगों में से कोई भी स्कूल छोड़ने नहीं गया बच्चों को? नहीं गए। तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया? कोई नहीं गया। आप ये बताएं, रामगढ़ चक का जो मामला है, यहाँ बहुत सारे बच्चे अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, आज से स्कूल खुल गए, तो ये लोग स्कूल जाते क्यों नहीं हैं? सर, इनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है, एक तो यहाँ गांव में जी, और दूसरे गांव में एक बानोरा चक लगता है पास में, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर, तो वहाँ नाला पड़ता है बीच में, तो बरसात में 4 महीने तो ये जाएंगे ही नहीं। बाकी अगर भगवानपुर जाते हैं तो बीच में आप नदी देख के आए, बहुत बड़ी नदी है, तो वहाँ से अगर एक दिन पानी बरसेगा तो बच्चों की तो दूर की बात है, अपन बड़े लोग भी, मतलब बुजुर्ग लोग या जो सक्षम है वो भी उस पार नहीं जा सकते, पुलिया के पार नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उनका स्कूल जाना संभव नहीं है। तो टोटल कितने बच्चे होंगे यहाँ? टोटल 65-70 बच्चे हैं। तो आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि यहीं कोई स्कूल खुल जाए? प्रयास किया था मैंने, एक झोंपड़ा पट्टी बना के उनको 5-6 महीने बिठलवाया भी था, कि सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला तो उस चक्कर में मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, ये बस्ती जो है कौन आदिवासियों की है? टोटल आदिवासी बस्ती है सर, सारे के सारे आदिवासी, पूरी बस्ती आदिवासी। तो आपने इस बात को लेकर कभी अधिकारियों से चर्चा की थी? की थी, पर कोई परिणाम नहीं है? कोई परिणाम नहीं है। बताओ, बाल कल्याण समिति लगातार बच्चों के लिए करती है, रामगढ़ का जो मामला है आपके नॉलेज में है? जी जी, रामगढ़ मैं घूम के भी आया हूँ, रामगढ़ स्थिति मेरी जानकारी में है। क्या वस्तु स्थिति है? क्या वस्तु स्थिति ये, वहाँ पर स्कूल नहीं है रामगढ़ चक में, और आदिवासी बस्ती है, और लगभग 60-65 बच्चे वहाँ पर हैं, और स्कूल की जो दूरी है 3 किलोमीटर के लगभग है वहाँ से, तो इस तरह से बच्चों की समस्या है वहाँ पर, और प्रॉपर में स्कूल होना चाहिए वहाँ पर। जो सर्वे होता है उसके हिसाब से आप लोगों ने पिछले वर्ष भी यहाँ कुछ काम किया था, तो क्या स्थितियाँ थी यहाँ की? पिछले वर्ष NGO के माध्यम से एक पाठशाला का प्रयास किया था, और पाठशाला में लगभग 60-65 बच्चों के अध्यापन की व्यवस्था यहाँ पर एक टीचर की व्यवस्था करके करवाई थी सरपंच साहब के सहयोग से, यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं चल पाई, वो सामाजिक सहयोग के कारण या शासन का सहयोग उसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया था, तो आगे प्रयास करेंगे ऐसी कोई व्यवस्था फिर से हो जाए। बाकी सरकारी स्कूल यहाँ पर होना चाहिए, 60-65 बच्चे कम से कम यहाँ पर हैं, और आदिवासी बस्ती है पूरी, और यदि शासन का सहयोग उपाय तो बेहतर होगा यहाँ के। अच्छा, आपने पिछली बार जो सर्वे किया था तो कितने बच्चे ऐसे थे जो साल अप्रवेशी अप्रवेशी थे? VR की सूची मैंने ली थी वहाँ से, DPC ऑफिस से, तो VR जो सर्वे शासन के माध्यम से होता है, DPC के माध्यम से होता है, उसमें 27 बच्चे स्कूल त्यागी बच्चे की सूची है यहाँ पर रामगढ़ चक में, जो बच्चे यहाँ के हैं स्कूल त्यागी हैं, बाकी और बच्चों के नाम दर्ज होंगे वो, लेकिन जाते नहीं हैं दूरी के वजह से, छोटे छोटे बच्चे हैं और 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्कूल है। नहीं, तो आज जैसे अगर देखें तो प्रवेश उत्सव चल रहा है पूरे ज़िले में, जो स्कूल में जा रहे हैं, और इस गांव में अभी आप खुद भी आए देखा है, तो यहाँ से तो कोई बच्चा स्कूल नहीं गया? हाँ,
दिख रहे हैं अपन, चूँकि दूरी है और पानी बरस गया और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। मुख्य जो समस्या है वो दूरी के कारण है और पेरेंट्स जो इतने अवेयर नहीं हैं, यहाँ के बच्चों को छोड़ने जाएं पढ़ाई के लिए उतने जागरूक नहीं हैं, तो इस कारण से बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है यहाँ पर प्रॉपर में। जरा इस स्कूल के भी अतिगत देख लीजिए, दरारों से पटा ये स्कूल किसी भी समय जमींदोज हो सकता है और इसका शिक्षकों को भी डर सताता है। गांव के सरपंच भी इसको लेकर कई बार निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, मगर ये आज भी धरना उसी तरह चल रहा है और बिल्कुल संकट और समस्या के साए में स्कूल तो चल रहा है। और आज प्रवेश उत्सव के समय देखा तो इसमें भी कुल 6 बच्चे थे, कहने के लिए 20 दर्द थे, एक स्कूल के शिक्षक इन 5-6 बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये स्कूल और स्कूल के गांव से जुड़ी एक ज़मीनी हकीकत थी। इसके बिल्कुल बगल में एक और गांव है, ये भगवानपुर गांव है, और भगवानपुर गांव की हकीकत और देख लीजिए। कौन से गाँव का स्कूल है? भगवानपुर। कुल 5 बच्चे दर्ज हैं, कौन कौन सी क्लास में? कक्षा 3, 4, 5 में। 3, 4 और 5 में। कक्षा 1 में अभी ये दर्ज करेंगे, अभी एडमिशन नहीं हुआ। तो एडमिशन नहीं हुआ। 3 में कितने हैं? 3 में 1 है वो। 4 में 1 है। 5 में 3 बच्चे। तो कुल मिला के ऐसे 5 बच्चे हैं। तो 2 दिन से जो प्रवेश उत्सव चल रहा है आप स्कूल लगा रहे हैं? स्कूल लगा रहे हैं। तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे? बच्चे कल किताब इसके तरह अगर कुछ ये चुनिंदा स्कूल थे, अगर इनकी बात करें तो कमोबेश लगभग या ज़्यादातर स्कूलों के हालात ऐसे ही थे, पर ऐसे गलत और गंभीर हालातों में भी तकनीकी का स्कूल को सुकून देता है। यहाँ आपको ध्यान हो कि कुछ दिन पहले मिलवांचो कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने यहाँ के 4 महिला शिक्षकों को निलंबित कर दिया था शैक्षणिक गुणवत्ता और स्तर कमजोर होने के कारण। इसके बाद इस स्कूल में कुछ शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की है शैक्षणिक के तौर पर, उन्हीं में से एक हैं हरिओम शर्मा। ये बमूरिया स्कूल में पदस्थ है मगर कुछ समय के लिए यहाँ है। इन्होंने एक नया प्रयोग किया है, आज प्रवेश उत्सव के दौरान इन्होंने बच्चों को अपने हाथ से नहलाया। जो बच्चे गंदे थे या घर से नहा कर नहीं आए थे उनको नहलाने के पीछे इनका उद्देश्य है कि एक तो उनके परिवार के लोग इस चीज को लेकर जागरूक होंगे, साथ ही बच्चों में भी साफ सफाई के लिए नए संस्कार दिए जा सकते हैं। यहाँ क्या है, बच्चे हम पिछले 2 दिन से आ रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल भी मतलब नहला के नहीं भेज रहे हैं माँ बाप। तो मेरे मन में ये विचार आया कि हम इनको नहला के और इनका तिलक लगा के स्वागत करें। उसके बाद हमने ये नव प्रवेशित बच्चे कक्षा 1 के इनको नहला के धुला के, और अगर बच्चे नहा के नहीं आते हैं तो हम रोज़ाना ऐसा ही करने का हमारे मन में ये विचार आया है, रोज़ उनको नहलाएंगे यहीं पर ताकि उनके माता पिता में भी थोड़ी सी जागरूकता आ सके। आगे भी करेंगे ऐसा? बिल्कुल। क्या नाम है? हरिओम शर्मा। कौन सा स्कूल? मैं वैकल्पिक व्यवस्था में हूँ, मेरा विद्यालय तो वैसे बमूरिया है लेकिन यहाँ हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था में हैं। क्या नाम? प्राथमिक विद्यालय टकनेरी। इस वर्ष की भीषण गर्मी में अगर सबसे बड़ी सफलता नगरपालिका की कोई रही तो वो पेयजल संकट पर काबू पाना रहा। संभवतः पिछले 1 दशक में ये पहली गर्मी का मौसम था जिसमें पेयजल को लेकर हाहाकार नहीं हुआ या लोग परेशान नहीं हुए। चुनिंदा जगह ऐसी रहीं जिनमें कुछ समस्याएं जरूर रहीं, पर पूरे शहर में पानी को लेकर इस बार नगरपालिका के प्रयास कारगर साबित हुए और लोग पानी के लिए परेशान नहीं हुए। और बीते 3-4 दिनों से अशोकनगर नगरपालिका इस दिशा में आगे ही बढ़ती जा रही है। अगर इस हिसाब से बात किए जाए कि कौन से जो है बाढ़ या कौन से इलाके इस बार भी परेशान रहे तो गिनने के लिए 2-3 स्थान ऐसे थे जहां पानी को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिली, उनमें से एक शंकर कॉलोनी भी थी। पूरे शहर में मात्र एक यही एक इलाका था जो पानी को लेकर थोड़ा सा परेशान था। आज नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने इस बाढ़ में भी नलकूप खनन का भूमि पूजन किया। नगरपालिका अध्यक्ष ने बाढ़ 7 में आज नलकूप खनन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्रीमती सुशीला साहू ने बताया कि बाढ़ में यह बोर लगाया जा रहा है जो उसकी जरूरत के कारण यहाँ लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस मोहल्ले के लोगों के द्वारा पानी की समस्या के बारे में बात की जा रही थी। यह नलकूप खनन कर तकरीबन 4.5 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों बाढ़ क्रमांक 1 और 2 में भी बोर लगाए गए थे जिनमें भरपूर पानी निकल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि न केवल भूमि पूजन किया जाएगा बल्कि शीघ्र ही साथ में इसमें नलकूप खनन के बाद पाइपलाइन बिछाकर दूसरे घरों में और अन्य स्थानों पर कनेक्शन भी दिए जाएंगे।
इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के भी बारे में बताया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू के साथ विधायक प्रतिनिधि नगर पालिका पहलवान साहू, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजू सहित बड़ी संख्या में मोहल्ले के निवासी बच्चे और महिलाएं उपस्थित थी। वार्ड वासियों का कहना था कि बाग में नलकूप खनन के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पानी की समस्या से कोई परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर लोगों ने नगर पालिका के इस प्रयास की सराहना की है। अध्यक्ष मैडम ने अच्छा करा नगर पालिका का काम, नगर पालिका से भाई साहब के लिए मुबारक। सुशीला साहू बहनी जी हमारी अच्छी देख रेख कर रही है, वार्ड की बढ़िया सुविधा मिल रही है, हर एक तरह ध्यान दे रही हैं, साफ सफाई की भी ध्यान दे रही हैं, पानी की भी हमने जो निवेदन करी थी वो हमने सुनी है। सब वार्ड में बढ़िया सुविधा इस कार्यकाल से आप खुश हैं नगर पालिका? बिल्कुल हम पूरों में तो संजू भाई हैं और बहन जी हैं, मतलब इनकी आशीर्वाद है कि इन बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और संजू भाई साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहन जी भी बढ़िया काम कर रही हैं। जो पानी की मांग थी वह सबसे मेन काम था पानी का, वो हो गया है, ये थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो भाई साहब संजू भाई साहब सब लोग ठाणे हैं कि वो तो हो ही जाएगा। जय हिंद जय भारत। कमी है यही है तो आप नगर पालिका का काम अच्छा हुआ ये लगने के बाद? हमारा जो पिछले दिनों 60 लाख रुपए का टेंडर हुआ था नलकूप खनन का, उसी के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 7 में जिनके पास आते हमारे संजीव जी हैं, इसमें आज हमने 4.5 लाख रुपए की लागत से लगभग एक बोर खनन के लिए अभी हाल ही हमने भूमि पूजन किया और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे अच्छा पानी निकले और हमारे यहाँ के रहवासी हैं जो हमसे काफ़ी दिन से आशा कर रहे थे, काफ़ी दिन से मांग कर रहे थे कि यहाँ पे पानी की समस्या है, इसलिए यहाँ पे बोर या पाइपलाइन जो व्यवस्था होना चाहिए थे, हमारे पास बार बार ये आवाज़ उठी और हमने उस आवाज़ पे ध्यान दिया। हम चाहते हैं पूरा शहर जो हमारी पानी की समस्या से निजात पाए, उसी कड़ी में हम यहाँ पर एक बोर लगवा रहे हैं 4.5 लाख रुपये की लागत से लगभग, और मैं ईश्वर से एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा पानी निकले, सभी लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले। आज वार्ड क्रमांक 7 में जो काफ़ी दिनों से पानी की मांग भी चल रही थी और वास्तव में पब्लिक परेशान भी थी, तो हमारे पार्षद जी ने बहुत बार बार अध्यक्ष जी से कहा कि अध्यक्ष साहब मेरी वार्ड में पानी की कमी है, अध्यक्ष जी ने ध्यान भी दिया पार्षद की वार्ड पर, और हमको भी इस चुनाव के टाइम पर जो अध्यक्ष जी ने वादे किए थे कि मेरी कोई भी बहन पानी के लिए परेशान नहीं होगी, तो वास्तव में मैं तारीफ नहीं कर रहा, आपको खुद दिख रहा होगा कि आपकी अध्यक्ष जी हर वार्ड में जाकर सबसे पहला काम कोई भी बहन पानी के लिए परेशान ना हो उसके लिए प्रयासरत हैं, और हर वार्ड में जहाँ हेडपम्प हो सकता है वहाँ हेडपम्प किया जा रहा है, जहाँ बोर हो सकता है वहाँ बोर करा रहे हैं हम, और इस वार्ड में एक बोर और भी है बड़ा जहाँ गाड़ी जा सकती है अंदर, एक और भी करवाएंगे, और आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक एक घर तक हम नल कनेक्शन भी दे सकें। पानी की पाइपलाइन का 10.5 करोड़ रुपये का टेंडर हमारा पास होने वाला है, तो अशोकनगर में जो भी 22 वार्ड हैं उस 22 ही वार्डों में पानी की कहीं भी कमी हम नहीं रहने देंगे। चुनाव के पूर्व जो वादा किया था हम लोगों ने कि हमारी जनता को पानी से, साफ सफाई से, लाइट से, कहीं भी किसी चीज़ से परेशान नहीं होने देंगे। लाइट की व्यवस्था भी लगभग 100 में से कम 1-2 खम्भे भी ऐसे होंगे जिनमें लाइट ना हो, बाकी हर खम्भे हमने लाइट भी लगवा दी है, और साफ सफाई की व्यवस्था भी बराबर, हमारी गाड़ी घर घर जाती है कचरे के लिए, और भी थोड़ा बहुत अगर कमी लगती है गाड़ियों की वो गाड़ी भी हम 2-4 और खरीदने वाले हैं, जो घर घर गाड़ियाँ जाएंगी, घर घर से कचरा लेती हैं। तो मैं वार्ड वासियों से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी का भी सहयोग हमको चाहिए, जो कचरा इधर उधर अपन डालते हैं नली में इधर उधर ना फेंकें, कचरा सही जगह पर डालें और जो गाड़ी आती है उसमें डालें, गाड़ी नहीं है जहाँ जा पाती है उस गली में तो कहीं ना कहीं अपन ने चिन्हित जो स्थान किए वहाँ पर कचरा डालें, और सभी का सहयोग हमको मिलता रहेगा तो आने वाले समय में, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो कोई भी गली ऐसी नहीं रहेगी जिस गली में आपको परेशानी हो कीचड़ से, हमारा प्रयास रहेगा सीसी पेवर जहाँ हो सकते हैं हम बराबर बिल्कुल करेंगे। आप लोगों ने जो हम पे विश्वास किया और हमको यहाँ तक आप लाए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर पालिका जो यहाँ पर काफ़ी समय से पानी की समस्या जो चल रही थी, काफ़ी समय से हम बहन जी से निवेदन भी कर रहे थे, वार्डवासियों की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और बहन जी को
दोबारा से धन्यवाद देता हूँ कि बाढ़ के लिए इन अच्छी पहल की और आज पानी की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे, तो कभी परेशानी नहीं आएगी। आगे भी जो गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, उनके भी टेंडर लगे हुए हैं साहब के अनुसार, और बताया भी अपन ने, लिख के भी दिया है। कुछ समय लग रहा है, थोड़ा बहुत समय लगने के बाद ये गलियाँ भी कम्प्लीट करा देंगे, पहले ये नलकूप खनन हो जाए। हम फिर भी अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, बात रखी। आज हमें नई पहल देखने को मिलेगी, इससे हमारे वार्ड में पानी की समस्या को निजात मिलेगी, इसके लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। तकरीबन 6 माह के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसकी जिला कार्यकारिणी मिली है। उल्लेखनीय है कि लंबे खींच के बाद इसका जारी होना प्रतीक्षित था और लोग इसको लेकर कयास लगा रहे थे कि किन किन लोगों के नाम होंगे और किन को स्थान मिलेगा। अशोकनगर में गुटबाजी के आरोपों को झेल रही भारतीय जनता पार्टी को कार्यकारिणी बनाना एक कठिन काम माना जा रहा था। आज अध्यक्ष जय कुमार सिंघई की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने इस कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी हैं और कई युवाओं को तहजीब इस कार्यकारिणी में दी गई है। कार्यकारिणी के साथ कुछ मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा भी की गई है। अशोकनगर में हरीश चंद बल्ला को नया मंडल अध्यक्ष बनाया गया है और ये पद जय कुमार सिंघई जी के अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुआ था। कुछ नए मंडलों का गठन भी इस सूची में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा चर्चित नाम महामंत्री को लेकर थे और इसको लेकर तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे, जो राजमाइश की जा रही थी। और जो तीन नाम महामंत्री पद के लिए सामने आए हैं उसमें डॉक्टर जय मंडल यादव, गोपाल कोहली और युवा मोर्चा के वर्तमान जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी का है। ये तीनों ही नाम चिरप्रचित हैं। डॉक्टर जयमंडल अशोकनगर से हैं, सचिन चौधरी भी अशोकनगर से हैं। तीसरे महामंत्री को चंदेरी से मौका दिया गया है और गोपाल कोहली वहां के नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और इस नाते कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक आरक्षित वर्ग की सूची से भी इनका नाम लिया जा रहा था, इसलिए संभवतः इनकी ताजपोशी हुई है। इसके अलावा 8 उपाध्यक्ष, महामंत्री और कार्यालय मंत्री सहित मीडिया प्रभारी की भी घोषणा कर दी गई है। जिला कार्यकारिणी में जिन 8 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है उनमें श्री यादवेंद्र सिंह यादव, श्री नंदलाल यादव, श्रीमती वर्षा बड़कुल, श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्री पहलवान साहू, श्री भास्कर सिंह रघुवंशी, श्री गोपाल कौल और श्रीमती मनोरमा शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा महामंत्री डॉक्टर जयमंडल यादव, गोपाल कोहली और सचिन चौधरी हैं। मंत्री पद पर भी इस बार 8 लोगों को रखा गया है, जिनमें वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, श्री रघुवीर प्रसाद सेन, श्रीमती नीतू ग्वाल, श्री अरविंद जैन, श्री अशोक पाटनी, श्री उमेश रघुवंशी, श्रीमती शीला जाटव और श्रीमती शीतल कलावत है। कोषाध्यक्ष पर श्री कैलाश खेरा की नियुक्ति की गई है। कार्यालय प्रभारी दयाशंकर कुशवाहा बनाए गए हैं। सह कार्यालय प्रभारी के तौर पर पार्षद ऋषि त्रिपाठी का मनोनयन हुआ है। मीडिया प्रभारी के लिए डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी को चुना गया है। साथ ही 2 सह मीडिया प्रभारी भी बनाए गए हैं, मुकेश ओझा और विकास रघुवंशी।